तो है गाइस, राहुल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे प्रोफेशनल्स की तरह यूट्यूब थंबनेल को एडिट कर सकते हो अपने एंड्रॉयड से। सो गाइस, आप लोगों को मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो गाइस, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, यूट्यूब थंबनेल एडिट करने के लिए आप लोगों को पिक्सलैब एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, आप लोगों को और पिक्सलैब एप्लीकेशन चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रेज्यू सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप लोगों इजीली यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करना है। सो गाइस, उसके बाद आप लोग यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल साइज मिल जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ईजी से जाना है कलर पर। तो कलर पर जाने के बाद आप लोग बैनर का कलर चूज़ कर लेना। तो गाइस, मैंने यहाँ पर येलो कलर चूज़ किया है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो आपका वीडियो पर टाइटल देना चाहते हो तो वो आप लोग लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर हाउ टू अर्न मनी, एक इमोजी। आप लोग अपनी थंबनेल पर ज़रूर से एक इमोजी लगाना, तो इमोजी से आपका थंबनेल और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को लगा देना है। तो उसके बाद यहाँ पर जाना है कलर वाले ऑप्शन पर। तो उसके बाद आप लोगों को फ़ॉन्ट चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये वाला ही देता हूँ। तो गाइस, उसके बाद स्टॉक पर क्लिक करके इस पर कलर आप लोगों को चूज़ कर लेना है। तो गाइस, मैं ऐसा रखता हूँ इसको थोड़ा। तो उसके बाद आप लोग और भी जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो आप लोग वो लिख कर अपने थंबनेल पर ऐड कर सकते हो। तो गाइस, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सो गाइस, आपको अपनी थंबनेल पर अच्छे अच्छे इमोजीज लगाना है, इससे आपका थंबनेल और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। सो गाइस, उसके बाद आप लोगों को गैलरी पर जाना है और आपका जो अपना यूट्यूब चैनल का लोगो है तो उसको आप लोगों को ले लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर शेप कर लेना है, थोड़ा राउंड शेप कर लेना है आप लोगों को। तो गाइस, उसके बाद इसको ईजीली एक साइड पर बैठा देना है, बिल्कुल ऐसे साइड पर बैठा देना है। सो गाइस, उसके बाद आप लोगों को उस वाले फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है जिसको आप लोगों ने एडिट किया था। तो गाइस, मैं जैसे कर लेता हूँ फ़ोटो को ऐसे एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को अपने फ़ोटो आप लोगों को अपने थंबनेल पर ऐसे बैठा देना है एक साइड पर। सो गाइस, उसके बाद आप लोगों को शेयर पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर देना है। तो सो गाइस, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो कर देना एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसे कर देना ऑल, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे यूट्यूब रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ। और आप लोग अगर सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, तो मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर एक न्यू वीडियो लाऊंगा। सो गाइस, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।